एक फेयर का मेन प्राइमरी रीज़न क्या है, ताकि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ला सकें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को आएँ फेयर में, मिलें कॉलेज वालों से, टीचर से, प्रोफेसर से, और अपने उनके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। ऑलवेज ये बेनिफिशियल होता है, ये हर एक कॉलेज के लिए भी बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता रहता है कि हमको किस किस कॉलेज में जाना है। इंडिविजुअली कॉलेज विजिट करते हैं, उससे बेटर ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आके वो सेंट्रली सभी कॉलेज को मिलता है। खाली मिथ की तरह काम करता है, लेकिन आगे क्या सब कहाँ पढ़ेंगे ये है, इसके साथ फ्यूचर का कैरियर भी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ 20 साल से ये चल रहा है और 20 साल के बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, वो पूरा रिकॉर्ड मिलता है। इंडियाज़ प्रीमियर कैरियर एजुकेशन फेयर इंटरफेस 2022 का शुभारंभ कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मेयर व नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय, शिक्षा कारीगरी मंत्री हुमायूं कबीर, प्रोफेसर सुरंजन दास, ओम दयाल समूह के सचिव आलोक टेबड़ीवाल, GIS समूह के चेयरमैन तरणजीत सिंह उपस्थित थे। कैरियर फेयर 3 दिनों तक चलेगा। मौके पर फिरहाद हकीम ने कहा कि आज के समय में छात्रों को कक्षा 8वीं और 9वीं के बाद से ही मास काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर मास काउंसलिंग होती है तो उससे उन्हें करियर चुनने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगर उन्हें 3-4 वर्ष पहले ही मास काउंसलिंग की वजह से अपना करियर समझ में आ जाए तो उनका पूरा फोकस उसी तरफ रहेगा। एफोर्ड करते पारे ना बड़ो स्कूल, तादेर थेकेओ अनेक टैलेंट आछे, जेगुलो आमरा क्लास 9 यदि काउंसलिंग करी। आमार निजेर मेये भलो स्कूले पड़े, आमी देखेछि क्लास 9 থেকে 8 থেকে काउंसलिंग शुरू হয় এবং তারপর তাকে তার দিশাটা বলে দেওয়া হয় যে ইউ গো ফর মেডিকেল এডুকেশন, ইউ গো ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন, ইউ গো ফর ল, এরকম করে দেয়। কিন্তু এই কাজটাই অনেকে আমি দেখেছি, আমি চেতনা গার্লস স্কুলের বলছি অনেক মেয়েরা এলো, কাকু আমাকে জিওগ্রাফি অনার্সটা করে দিতে হবে আশুতোষ কলেজে। আমি বললাম যে জিওগ্রাফি অনার্স পরে করবি কি, তারপরটা কি? ওই সে জানি না, আমার বন্ধুরা সবাই মিলে করছে, আমরা একসাথে করব। সেই জন্য কাউন্সেলিংটা এত বেশি দরকার হয়ে গেছে যে আমি দীপক বাবুকে বলবো এখানে যে একটা মাস কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার, যেখানে এক্সপার্টরা বসে তাদের বলে দেবে যে তোমার ক্যারিয়ারটা এইরকম। এখন আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে নার্সিং কলেজগুলো তাদের কিভাবে অ্যাডমিশন হচ্ছে এবং নার্সিং এর এখন ডিমান্ড সারা ওয়ার্ল্ডে যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ओम दयाल ग्रुप के सचिव आलोक टेबड़ीवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रतिभा और अवसर दोनों ही हैं। इस प्रकार के एजुकेशन और कैरियर फेयर से छात्रों को नई ऊर्जा प्रदान होती है। बंगाल के छात्र बंगाल में रहें तो इससे बंगाल का ही विकास होगा। ये फेयर वैसे यहाँ पे 1999 से हो रही है, नई नहीं है, परंतु इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हर स्टूडेंट, हर कॉलेज आपस में 1:1 मिल सकते हैं। कॉलेज के, हमारे भी कॉलेज के प्रोफेसर्स आए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे स्कूल से भी कुछ टीचर आए हुए रहते हैं। तो दिस इज़ अ, देखिए हर समय हर इतने सारे लोगों को एक संग में बैठाना संभव नहीं होता, बट एक फेयर का मेन प्राइमरी रीज़न क्या है, ताकि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ला सकें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को आएँ फेयर में, मिलें कॉलेज वालों से, टीचर से, प्रोफेसर से, और अपने उनके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। GIS समूह के चेयरमैन तरणजीत सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से एजुकेशन फेयर चल रहा है। हर साल सैकड़ों बच्चों का भविष्य यहीं से निर्धारित होता है। बच्चे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर अपने कैरियर को चुनते हैं। पश्चिम बंगाल में जितनी पढ़ाई और प्रतिभा है, इतनी प्रतिभा अन्य किसी राज्य में नहीं है। आने वाले समय में यहीं के बच्चे देश का भविष्य बनेंगे और उनके भविष्य को सुधारने के लिए ऐसा एजुकेशन फेयर एक अच्छा उदाहरण है। खाली मिथ की तरह काम करता है, लेकिन आगे क्या सब कहाँ पढ़ेंगे ये है, इसके साथ फ्यूचर का कैरियर भी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ 20 साल से ये चल रहा है और 20 साल के बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, वो पूरा रिकॉर्ड मिलता है। यहाँ पर इनको हर चीज़ की वो मिल जाती है सुविधा, जो 1 प्लेटफॉर्म में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑलवेज ये बेनिफिशियल होता है, ये हर एक कॉलेज के लिए भी बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता रहता है कि हमको किस किस कॉलेज में जाना है। इंडिविजुअली कॉलेज विजिट करते हैं, उससे बेटर ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आके वो सेंट्रली सभी कॉलेज को मिलता है। यहाँ हर एक तरह के सभी कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, तो उसमें आके करते हैं। नेताजी स्टेडियम में चलने वाले एजुकेशन फेयर में 30 से भी ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों का स्टॉल लगा हुआ है जहां बच्चे घूम घूम कर सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करते दिखे। रविवार और सोमवार को इस एजुकेशन फेयर में और भी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।